नमस्कार, मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। भाजपा अब पहले जैसी भाजपा नहीं रही, ये कहना है मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार का। सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अब पहले जैसी भाजपा नहीं रही, और मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा समाज में नफरत फैला रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, आइए आपको बताएं इस रिपोर्ट के जरिए। नीतीश कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा अब पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि भाजपा अब पहले वाली भाजपा नहीं रह गई है। कहा कि आने वाला साल चुनावी वर्ष है, समाज में नफरत फैलाने की काफी कोशिश की जाएगी, पर इसे जोर लगाकर रोकना है। उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए काफी काम किए हैं। उन्होंने ये बातें अल्पसंख्यक समाज से आने वाले जेडीयू नेताओं व विभिन्न संगठनों के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक के दौरान कही। उन्होंने परामर्श दिया कि वह भाजपा के टारगेट पॉलिटिक्स से सतर्क रहें और उससे समझदारी से निपटें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ रहते हुए भी उनके दल के प्रत्याशियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने 50% से अधिक वोट किया था। मेरे चलते भाजपा को भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का 20% वोट मिला था, पर अब भाजपा बदल गई है। समाज में नफरत फैलाने व सौहार्द को बिगाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने जातिवार गणना की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सर्वे काफी सही तरीके से हुआ है। विधान मंडल के शीतकालीन सत्र में इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा और उस हिसाब से नई योजनाएं लाई जाएंगी। जेडीयू के राष्ट्र अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने कहा कि इस बात का ख्याल रखें कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम में है, उनसे भाजपा को ही फायदा हो रहा है। उनकी पार्टी अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ रही है और भाजपा समाज में नफरत फैलाने की काफी कोशिश कर रही है और इसे जोर लगाकर रोकना होगा। इसी के साथ साथ आने वाले चुनावी दौर में क्या कुछ बातें जो सामने निकल के आएंगी वो दिलचस्प रहेंगी। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज, और तब तक के लिए हमें दे इजाजत। धन्यवाद।